हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.6 का 10th क्वेश्चन है फैक्टराइज। इसका फर्स्ट पार्ट है 1/3x² - 2x - 9। अब यहाँ पे हम 1/3x² - 2x - 9, अब 3 का हर एक वेरिएबल या कॉन्स्टेंट हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका, यानी 2x में भी और 9 में भी। तो ये हो जाएगा x² और 3 2 6x और 3 9 27 अपॉन 3 कर देंगे। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, x² - 6x - 27 को। यहाँ पे हो जाएगा 20 - 27 x² - 9 3 27 होता है। तो 9x + 3x - 27 अपॉन 3। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम x को कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा x - 9 + 3x - 9 अपॉन 3 हो जाएगा। तो x - 9 एक ब्रैकेट में और x + 3 एक ब्रैकेट में अपॉन 3। तो हो जाएगा 1/3x - 9 और x + 3। सेकेंड क्वेश्चन है 1/4x² + x - 3। अब यहाँ पे भी हम x² 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा +4x और 4 क्वांटिटी इसमें करेंगे -12 हो जाएगा। ये हमने एलसीएम ले लिया इसका, x² + 4x - 12 अपॉन 4। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा x² + 12 लाना है हमें, तो जाएगा 6 4 या 6 2 12 +6x - 2x - 12 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा, x कॉमन कर लेंगे, x - x + 6 और यहाँ से -2 x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 6 हो जाएगा अपॉन 4। x + 6 x - 2 अपॉन 4। तो ये हो जाएगा 1/4x + 6x - 2। थर्ड क्वेश्चन है 8x³ - 2x² - 15xy². अब यहाँ पे हमें फैक्टराइज करने के लिए 15 × 8 करते हैं हम, तो 15 × 8 कितना होगा, 120 हो जाएगा। 120 xy² x³ और माइनस रहेगा। अब ऐसा कौन सा नंबर ले जिसको मल्टीप्लाई करने 120 आए और ऐड करने में -2 आए, तो 8x³ इसमें ले लेते हैं हम 12 10 120 हो जाएगा और माइनस करने में 2 आ जाएगा रिमाइंडर, यानी हो जाएगा +10x² - 12x² - 15xy². अब यहाँ से हम 2 को कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 2 और x को कॉमन कर लेते हैं x² यहाँ पे हो जाएगा 2 4x + 2 5 10y हो जाएगा। -3xy कॉमन कर लेते हैं यहाँ से हम, ये हो जाएगा 4x + 5y। अब ये हो गया 4x + 5y और 2x² - 3xy। यहाँ से हम x को कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाए, यहाँ से x को कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x + 5y। यहाँ से x को कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x 2x - 3y। तो x 4x + 5y और ये 2x - 3y। अब फोर्थ क्वेश्चन है 9x³ + 41x² + 20xy³। अब यहाँ पे हमें 20 × 9 कितना होता है, 180 होता है, हमें 180 लाना है। अगर इसे मल्टीप्लाई किया 36 5 जा, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो हमें 36 5 जा मिलेगा, उसका कितना होता है 180 होता है और ऐड करने 41 आ जाएगा। तो 9x³ + 36x² + 5x² 36 5 = 180 होता है +20xy³। अब यहाँ से हम 9x³y है, यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं 9x³ x² x² यहाँ से y, तो यहाँ बचा x बचा +9 4 y बचा +5xy² कॉमन ले लेंगे यहाँ से हम, तो यहाँ बचेगा 5 कैंसिल हो गया, x² x बचेगा +4 5 4 20 और y बचेगा। तो हो जाएगा x + 4y
और 9x² y + 5xy². अब यहाँ से हम x + 4y, यहाँ से हम x कॉमन कर लेंगे, एक्स वाई कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9xy कैंसिल हो गया प्लस 5x कैंसिल हो गया, यहाँ से y बचा, तो ये हो गया x + 4y, 9x + 5y और x यहाँ पे आ गया, xy यहाँ पे आ गया।